इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, जहां पर एक तरफ सुपरस्टार अजय देवगन और अक्षय कुमार की सिंघम अगेन ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 भी सिंघम अगेन को बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस साल की बिगेस्ट बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में, हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3, जिसे डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने। और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और उनके साथ में है विद्या बालन और राजपाल यादव। अब दोस्तों आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 वन ऑफ जिसमें अक्षय कुमार थे और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, उसके अगले भाग में भूल भुलैया 2 के अंदर कार्तिक आर्यन हमें देखने को मिले थे और वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेस फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों पहला और दूसरा पार्ट तो बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा ब्लॉकबस्टर साबित रहा था, लेकिन इस वक्त भूल भुलैया 3 का बस अच्छा बना हुआ है, पर इस फिल्म के सामने इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिंघम अगेन रिलीज हुई है, जिसके चलते ही फिल्म को स्क्रीन उसके मुकाबले थोड़ी कम मिली है। लेकिन इस फिल्म को यहाँ पर जो एडवांस बुकिंग में रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से खतरनाक है और उम्मीद से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद सोचिए कि एक तरफ सिंघम अगेन जैसी बड़ी फिल्म, जिस मूवी में हमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जैसे बड़े बड़े स्टार, और दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 जिसमें सिर्फ कार्तिक आर्यन और माधुरी दीक्षित, विद्या बालन है, उसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डटकर कमाई कर रही है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 रिलीज होने में अभी भी कुछ घंटों का समय बाकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही काफी सॉलिड कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें भूल भुलैया 3 के वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भूल भुलैया 3 की जो ओपनिंग डे की इंडिया बुकिंग है वो 8,24,00,000 रुपए की हो चुकी है, वहीं दूसरे दिन की बुकिंग 2,43,00,000 रुपए की, वहीं तीसरे दिन यानी कि संडे की एडवांस बुकिंग इंडिया में 3,68,00,000 रुपए की हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो वीकेंड का कलेक्शन है वो इंडिया में 14,35,00,000 रुपए का हो चुका है, वहीं वीकेंड का ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन 7,78,00,000 रुपए का हुआ है। इसी के साथ दोस्तों भूल भुलैया 3 का जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है शुरुआती 3 दिनों का वो हो चुका है 22,13,00,000 रुपए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफी बढ़िया ओपनिंग है। मतलब कि दोस्तों एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने इतनी शानदार कमाई कर ली है। आप देखते हैं कि ये फिल्म कल रिलीज होगी तो इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी ओपनिंग मिलती है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े एक्शन सुपरस्टार जैसे कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अब दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म की स्टार कास्ट तो काफी तगड़ी है, साथ ही साथ इस फिल्म का ट्रेलर काफी इतना धमाकेदार था कि ट्रेलर देखने के बाद भी हर किसी के मन में बना लिया था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इस फिल्म को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना बनता है। तो दोस्तों यहां पर सिंघम अगेन को भी रिलीज होने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है और आपको जानकर हैरानी होगी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफी लेट शुरू हुई थी, उसके बावजूद भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की जो कमाई है वो भूल भुलैया 3 से दुगुनी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिंघम अगेन वन ऑफ द वन साइडेड यहां पर भूल भुलैया 3 को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने का दम रखती है, लेकिन इस वक्त सिंघम अगेन का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है ना वो भूल भुलैया 3 से काफी ज्यादा है। अब बात की जाए यहां पर सिंघम अगेन के वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सिंघम अगेन की जो फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग है इंडिया में 16,43,00,000 रुपए की हो चुकी है। अब सोचिए फर्स्ट डे ही बुकिंग एडवांस बुकिंग 16 करोड़ से ज्यादा है,
तो ओपनिंग कितनी बड़ी इस फिल्म को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सेकंड डे यानी कि शनिवार की इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग इंडिया में है वो 3,22,00,000 रुपए की हो चुकी है। वहीं संडे की बुकिंग यानी कि तीसरे दिन की बुकिंग इंडिया में 5,68,00,000 रुपए की हो गई है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का जो शुरुआती 3 दिनों का इंडिया बुकिंग कलेक्शन है वो हो चुका है 25,73,00,000 रुपए। अब बात की जाए ओवरसीज मार्केट की तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन विदेशों में भी काफी तगड़ी कमाई ऑलरेडी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस फिल्म का जो वीकेंड का ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 12,58,00,000 रुपए का हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ की फिल्म सिंघम अगेन वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन 38,31,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआती 3 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन इस फिल्म का दुनिया भर में 38,31,00,000 रुपए का हो चुका है। अब दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है और मैं खुद इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस फिल्म में कॉप यूनिवर्स के सभी पुलिस वाले हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है इस दीपावली के मौके पर यानी कि कल सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग लेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने चैनल बॉलीवुड रिव्यू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का भी, फैमिली का भी धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।